तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो तो है, मेरे टपूड़ा की तो बात ही कुछ और है। वो टपू तो अपना यारों का यार है। दादाजी, आपको भी टप्पू की बहुत याद आ रही होगी ना? अरे सुनो बेटा, याद तो आएगी ही ना, लेकिन तुम सब लोगों को देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा ही लगता है मैं टपूड़ा के साथ ही हूँ। और मौका वो तो टप्पू को विरोध करते ना। गोली क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। अरे बेटा तू एक काम कर, शांति से खा ले फिर बात कर। तो मैं ये कह रहा था, टप्पू को वीडियो कॉल करते हैं ना। अरे वाह गोली, ये तो ब्रिलियंट आइडिया है। लगा लगा फोन लगा टप्पू को। नहीं नहीं बेटा, रहने दे मत कर। क्यों? अरे टप्पू वहाँ परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ दादाजी, यू आर राइट। फ्रेंड्स, अभी हमें टप्पू को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ वो बात तो है। मैं क्या कहता हूँ दादाजी, जब टप्पू वापस आ जाएगा ना, तब हम फिर से पिज्जा पार्टी करेंगे। हाँ क्यों नहीं, जरूर करेंगे। वैसे दादाजी थैंक यू सो मच ये पिज्जा पार्टी के लिए, थैंक यू। अरे बच्चों, इसमें थैंक यू क्या, अरे तुम लोगों ने बाम्बू नहीं निकलवाए होते तो गोकुल धाम में सबकी दिवाली खराब हो जाती है। तो उसके लिए पिज्जा पार्टी तो बनती है ना। मैं तो कहता हूँ ऐसी पार्टी रोज होनी चाहिए। और फिर तो रोज सोसाइटी को रंग लगाना पड़ेगा। चलो बच्चों, बातें बाद में करना, पिज्जा ठंडा हो जाएगा। दादाजी पिज्जा पार्टी के लिए थैंक यू सो मच। अरे बच्चों, इसमें क्या बार बार थैंक यू बोल रहे हो? चलो मैं अभी घर चलता हूँ। दादाजी आप कहाँ जा रहे हो? टीटी खेलते ना टेबल टेनिस। हाँ दादाजी चलो ना, बहुत मजा आएगा। प्लीज दादाजी। अरे तुम लोग खेलो बच्चों, मुझे कहाँ टेबल टेनिस खेलना आता है। तो कोई बात नहीं दादाजी, हम आपको सिखा देंगे। अरे नहीं नहीं, तुम लोग खेलो। चलिए ना दादाजी, प्लीज बहुत मजा आएगा। चलिए ना प्लीज, आइए चलो। दादाजी ना गिरा? नहीं उधर पहला गिरा ना, पहले इधर गिरना चाहिए। हाँ। ऐसा क्यों? वो रूल है। हाँ चलो वैसे ही। ये तो सिक्स मार दिया। कोई बात नहीं दादाजी, कोई बात नहीं। दादाजी की स्टाइल ही एकदम अलग है। अभी अभी देख दादाजी, अभी आपकी सर्विस। हा? मतलब? मतलब आप शुरू करेंगे। अच्छा मैं शुरू करूँ? हाँ। रेडी? हाँ। कमान दादाजी कमान, चकदम पटे। दादाजी आए नहीं? दादाजी अभी आपकी सर्व है। कोई बात नहीं दादाजी, कोई बात नहीं। बॉल कहाँ गया? अभी तो इधर ही था। अरे बॉल कहाँ है? नीचे देख पिंकू। नहीं है नीचे भी। एक मिनट। और गजब है, यही तो गिरा। कि दादाजी कहीं बॉल आपके धोती में तो नहीं फंस गया? अरे हाँ हो सकता है, एक मिनट देखता हूँ। बच्चों बस अभी तुम लोग खेलो, मैं थक गया। अच्छा खेलना 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 आ जा। मजा आ गया।
हमने दिवाली का त्योहार क्या शानदार तरीके से मनाया। सच, नए साल का आगमन इतने धमाकेदार तरीके से हुआ है ना कि पूरा साल खुशियों से बीतेगा। अरे बस 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 करो, अरे चक्कर आ जाएगा। अरे भाई, गोकुल धाम मतलब खुशियाँ। अब देखो ना, टप्पू सेना ने कैसे गोकुल धाम पर आई हुई टेंशन को खुशियों में बदल दिया। हाँ, हमारी खुशियाँ दुगनी कर दी, दिवाली को उत्साह के नए रंगों से भर दिया। हाँ, दिवाली के त्योहार का सब में अलग ही उत्साह होता है, और सिर्फ दिवाली नहीं, हर त्योहार का अनोखा महत्व होता है। वैसे गोकुल धाम और हमारे देश की खासियत ही है कि हर त्योहार के बाद लोगों का मन नए विचार और उत्साह से भर जाता है। सच में, इन त्योहारों की वजह से जैसे लोगों में एक नया जोश, एक नई पॉजिटिविटी, एक उमंग आती है, और उमंग को देख के दिल को आनंद मिलता है, और मन करता है कि इस सुंदरता पे एक कविता लिखूं। क्या तारक, आप भी ना, बस आप इतनी भी तारीफ मत कीजिए। क्यों नहीं, कितनी सुंदर है हमारी गोकुल धाम सोसाइटी, तो तारीफ करने का मन तो करेगा ही ना। आप सोसाइटी की तारीफ कर रहे थे। हाँ, देखो ना, नए रंगों के साथ नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही है। और मुझे लगा कि आप मेरी अंजलि। क्या चांद को ऐसा कहना पड़ता है कि तुम सुंदर हो? रहने दीजिए, मैं अभी नाराज हो रही हूँ ना, इसलिए ये झूठी मोटी तारीफें कर रहे हैं आप। भाई, शब्द झूठे हो सकते हैं, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। कभी हमारी आंखों में देखो, खुद को और भी ज्यादा सुंदर पाओगी। कभी हमारे दिल में झांक कर देखिए, बस तुम ही तुम नजर आओगी, बस तुम ही तुम नजर आओगी। यही आपकी खासियत है, मैं जब भी नाराज होती हूँ ना, आप ऐसी प्यारी प्यारी कविताएं बोल के ना मुझे मना लेते हैं। हमारी भी यही खासियत है, मैं जब भी मनाता हूँ ना, तुम मान जाती हो। ऐसे ही, ये सिर्फ मेरी ही नहीं, गोकुल धाम वालों की भी खासियत है। यहाँ एक अलग ही मैजिक है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, यहाँ कोई किसी से नाराज रहता ही नहीं है। यहाँ प्यार है, मन मुटाव नहीं, यहाँ खुशियाँ है, नाराजगी नहीं। हाँ, वो बात तो है। बस अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि नया साल हम सबके लिए नई खुशियाँ लाए। नया साल तो नई खुशियाँ लाएगा ही, लेकिन ये गोकुल धाम है, यहाँ पर हंसी मजाक और रोज नए हंगामे तो होते ही हैं। आप भी ना। तारक, देखो ना, हमारी सोसाइटी कैसे जगमगा रही है। मन कर रहा है आज सारी रात बस यही बातें करते रहो। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन कर नहीं पाई। क्यों? क्योंकि कल टाइम पर ऑफिस जाना है, और अगर टाइम पर नहीं गया तो मेरा दो सिर वाला बॉस मेरी आरती उतारेगा और हंगामे की शुरुआत मुझसे करेगा। जानती हूँ। चलिए चलिए, जल्दी जाके सो जा। वाह 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 माधवी, मजा आ गया, मजा। क्या पुलाव बनाया तुमने, अप्रतिम। सच में? बिल्कुल, मैं झूठी तारीफ करता ही नहीं माधवी, दिल से बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है आप नहीं करते हो, और करनी भी नहीं चाहिए, झूठी तारीफ इंसान की दुश्मन होती है। ओ हो हो हो, क्या बात है, मुझे तो कल के लिए सुविचार मिल गया। माधवी, तुम्हारे आचार के साथ साथ तुम्हारे विचार भी उत्तम है। ये आइडिया। आइडिया का है? हम लोग है ना, अपने आचार के साथ साथ लोगों को हमारे लिखे हुए सुविचार भी भेंट करेंगे। क्या है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनके विचार भी अच्छे रहेंगे। कुछ काम है आपको मुझसे? नहीं तो क्यों? नहीं, आप मेरी कब से तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हो, इसलिए पूछ रही हूँ। माधवी, मैंने बोला ना, दिल से तारीफ कर रहा हूँ, झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं। मजाक कर रही हूँ। अच्छा मीका बेटे, आपको याद है ना, कल सुबह आपको अचार पापड़ की डिलीवरी करनी है। सिर्फ उतना ही नहीं माधवी, कल मेंटेनेंस का चेक जमा करने की आखिरी तारीख है, बैंक जाना है, बहुत काम है। चलो फिर, अभी सो जाते हैं। ये अच्छा विचार, इसको अभी बोर्ड पे मत लिखना। माधवी, मैं बोर्ड पे सुविचार लिखता हूँ, विचार नहीं लिखता हूँ। विचार से याद है, ये जेठाल को अभी तक विचार नहीं आया कि मैं मेंटेनेंस का चेक दे दूँ।
एक तारीख को वो चेक लेके आया था कभी नवते, वो भी गलत। इस बात की पेनल्टी लगाएगा भाई। जेठा भाई आइए आइए। इस बार अगर तुम मेंटेनेंस का चेक टाइम पे नहीं दोगे तो तुम्हें पेनल्टी लगाऊंगा, ऐसे बोल रहा था मैं। तेरी ये मंशा पूरी नहीं होगी दोस्त। मतलब तुम चेक लेके आए हो? हाँ। माधवी जरा चिमटी काटना। अरे माधवी भाभी को क्यों तकलीफ दे रहा है, मैं काटता हूँ। बसला बाबा, विश्वास बसला, विश्वास बसला। हाँ हाँ, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह तुमने आज पहली तारीख को मेंटेनेंस का चेक दिया है, आशा करता हूँ कि आने वाले सभी महीनों में तुम इसी तरह पहली तारीख को मेंटेनेंस का चेक दे दोगे। जरूर जरूर जरूर। चलो मैं निकलूं। अरे निकलूं क्या, चेक तो दो। थैंक यू। लेकिन अभी भी यकीन नहीं हो रहा है जेठालाल। नहीं नहीं नहीं, हो गया हो गया, यकीन हो गया। ये लो अपना चेक, मैं नहीं ले सकता। बराबर तो है, तुम्हें से कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। नहीं, सोसाइटी का नाम बराबर लिखा है, रकम बराबर लिखी है, मेरी सही भी बराबर है। अरे तारीख देखो, तारीख, तारीख की जगह महीना लिखा है, महीने की जगह तारीख लिखी है। अभी क्या करूं इस चेक का? अरे मेरी किस्मत, अभी कल आखिरी तारीख है, अभी तक चेक नहीं दिया है। ठीक है देवा, कहाँ जा रही हो? वो जेठा भाई को पूछने कि आप चेक देंगे तो कब देंगे, देंगे नहीं देंगे। कोई जरूरत नहीं उसको याद दिलाने की। दार लाव दिए, झोपायची वेळ झाली आता, खरच वाटते त्याला जाणार आहे। चला येतोय का? ओ आलो आलो। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। बबलाल गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। सुबह सुबह किसके घर पे जा रहा है? भिड़े के घर। क्यों? वो मेंटेनेंस का चेक देने। क्या पवड़ा, तुम भी जयटालाल की तरह मेंटेनेंस का चेक लेट देता है? नहीं नहीं, हर महीने लेट नहीं होता है, इस बार थोड़ा वो काम में रह गया था। चलिए अभी जाने दीजिए वरना और लेट हो जाएगा। जाइए जाइए जाइए। ये हो गया चरवापड़ के चेक, ये मेरे ट्यूशन फीस के चेक, और ये मेंटेनेंस के चेक। अभी सिर्फ दो लोगों के चेक बाकी आने, फिर एक साथ बैंक में डाल दूंगा। किन दोनों के बाकी है चेक आना? हमारे सोसाइटी के दो लाल, जेठालाल और पोपटलाल। जेठा को तो समझ में आता है, वो तो हमेशा लेट ही देता है, लेकिन पोपटलाल कैसे भूल गया इस बार चेक देना? बेड़े, पोपटलाल चेक देना कभी नहीं भूलता। अरे बगा बगा, पोपट बाबू जी आप बैठिए, मैं आपके लिए मस्त सुबह की चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। मधु भाभी नाश्ता रहने दीजिए, मैं करके आया हूँ, आप सिर्फ अपने हाथ की मसालेदार चाय पिला दीजिए। ये मुझे का है? बसा बसा। आओ बैठो बैठो, आओ आओ बैठो बैठो बेड़ा। हाँ भाई बेड़े, सच में तू बहुत लकी है भाई, मुझे मधु भाभी जैसा जीवन साथी मिला है। पता नहीं मेरा पोपटलाल, तुम लेट कैसे हो गए? पता नहीं ऊपर वाला ही लेट कर रहा है, मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। अरे मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूँ पोपटलाल, तुम चेक देने में लेट कैसे हो गए ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो क्या है, मुझे एक्चुअली मेंटेनेंस के सिलसिले में तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी? देख बेटा क्या है ना, मैं अकेले रहता हूँ। ओह अच्छा, हाँ तो मेरे फ्लैट का मेंटेनेंस बाकी सबसे कम होना चाहिए। कम मतलब? कम मतलब आधा होना चाहिए, आधा मेंटेनेंस। क्यों? तुम भी तो सोसाइटी की सभी सुविधाओं का उपयोग करते हो ना, जो सब करते हैं, क्लब हाउस का इस्तेमाल करते हो, नोटिस बोर्ड के पास जो पेपर रखे होते हैं वो मुफ्त में पढ़ते हो। नहीं नहीं, मुफ्त में क्या पढ़ते हो भाई, वो सुविधा सोसाइटी के मेंबर के लिए ही है ना। हाँ मतलब उसका लाभ तो उठाते हो ना। तो वो सब छोड़, पानी। ए माधवी चावल और पानी बना। अरे नहीं नहीं माधवी भाभी, पानी नहीं चाहिए, सिर्फ चाय लाइएगा। पानी नहीं पीना है भाई, मेरी पूरी बात को सुन। मैं कितना पानी इस्तेमाल करता हूँ, एक बाल्टी नहाने के लिए, एक घड़ा पीने के लिए। क्यों, कपड़े नहीं धोते? हाँ मतलब एक बाल्टी कपड़े धोने के लिए, चल ना, कितना इस्तेमाल करता हूँ, तो इसके लिए मैं पूरा मेंटेनेंस क्यों दूँ? बाप रे, तो इस हिसाब से तो मुझे हाथी फैमिली से डबल ट्रिपल मेंटेनेंस लेना चाहिए। बराबर है भाई, बात कर हाथी भाई से। क्या बात कर, ऐसे नहीं होता भाई। और वैसे भी मेंटेनेंस पर फ्लैट होता है, पर पर्सन नहीं होता। नहीं नहीं, ये तो अन्याय है, या तो मेरे आधे अमाउंट का मेंटेनेंस का चेक ले, या तो मेरी शादी करा। तो याला का अर्थ है पोपड़ा, ऐसा नहीं होता है भाई, पर पर्सन नहीं होता है। पर पर्सन होना चाहिए, होना चाहिए।
देखिए ना माधवी भाभी, मैं इसे ड्यू डेट के पहले मेंटेनेंस का चेक दे रहा हूँ, ये लेने को तैयार ही नहीं है। काय ऐसे करता, बेचारे पोपट भाऊजी आपको चेक दे रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे आप? मेरी बात सुनो पहले माधवी, तुम्हारे बेचारे पोपट भाऊजी जो मेंटेनेंस का चेक दे रहे हैं ना, वो आधे अमाउंट का दे रहे हैं। किसने बोला? ये देख, पूरे अमाउंट का चेक है। तो तुमने ऐसा क्यों बोला कि मैं आधे अमाउंट का चेक दूंगा? अरे वो तो माधवी भाभी चाय बना कर लाए, तब तक मैं टाइम पास कर रहा था। बाबूजी लाइए लाइए, वाह वाह। अरे बेटा तू भी लेना चाय? हाँ ले रहा हूँ मैं, ले रहा। माधवी भाभी बैठे बैठे अभी बैठे। भाई बेटा सॉरी है, इस बार ये मेंटेनेंस का चेक देने में थोड़ा लेट हो गया। नहीं नहीं, सबसे लेट नहीं हो तुम, अभी तक जेठा का चेक नहीं आया। क्या जेठालाल ने अभी तक मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया? नहीं ना, वैसे चेक देने एक तारीख को ही पहुंच गया था, लेकिन उस वक्त तारीख और महीना लिखने में गड़बड़ कर दी थी और बोला था कि उसी रात को दे देगा, लेकिन एक महीना हो गया अभी तक चेक दिया ही नहीं। नहीं तो इसमें गलती तेरी ही है। मेरी कैसी गलती हुई? तू पेनल्टी नहीं लेता है ना, एक बार पेनल्टी लगाना शुरू कर, सामने वाला टाइम टू टाइम चेक देने लगेगा। और उसके तीन फायदे और है, सोसाइटी का फंड बढ़ेगा, सामने वाला सुधर जाएगा और तेरा टेंशन भी दूर हो जाएगा। नहीं नहीं पोपटलाल, जेठाल को पेनल्टी के बाद से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे लेकिन सोसाइटी के फंड पे तो फर्क पड़ेगा ना, एक बार तू पेनल्टी लगा के तो देख। ठीक है, इस बार अगर जेठाल ने टाइम पे चेक नहीं दिया ना, तो उसको मैं 10,000 की पेनल्टी लगाऊंगा और वो 10,000 सोसाइटी फंड में जमा कराऊंगा। वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन ये सब मुझे बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, जेठालाल को बोल। ठीक है बोल दूंगा। नहीं बोल दूंगा नहीं, अभी बोल, अभी के अभी फोन करके बोल, तू फोन लगा रहा है कि मैं लगाऊं? ठीक है तुम करो। लगाता हूँ, ला फोन दे। ए, तुम करने वाले हो ना फोन? तो लगाता हूँ ना फोन तो दे। यही लगाता हूँ फोन। आहो चाय तो पी लीजिए पहले, बाद में फोन कीजिए ना। जय बापू जी, मेथी खाखरा। अरे वाह जेठिया, मैंने तुझे कल ही बोला था और आज खाखरा आ भी गए। बापू जी आज तक कभी ऐसा हुआ है आपने मुझे कोई काम सौंपा हो और वो मैंने ना किया हो? कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ जेठिया, तू हर काम में एकदम चौकस हो गया है। बापू जी मैं तो हमेशा से मेरे हर काम में चौकस ही होता हूँ, आपकी नजर अभी पड़ी। एम भले एमरा काटिया मेरा। हाँ मतलब उसको पता चल गया कि तू मेंटेनेंस के चेक के लिए फोन कर रहा है। तो क्या अभी मेरा फोन नहीं उठाएगा? नहीं लगा लगा, फिर से फोन लगाओ और इस बार फोन स्पीकर पे रख। वापस काट दिया फोन, हद है मतलब। बार बार किसका फोन आ रहा है? भिड़े का। अरे तो काट क्यों रहा है, बात कर। बापू जी आप ही हमेशा कहते हैं ना कि खाते वक्त फोन पे बात नहीं करनी चाहिए। शाबाश शाबाश जीठिया, शाबाश। वैसे जीठा तूने भिंडी मास्टर को मेंटेनेंस का चेक तो दे दिया ना? है? अरे है क्या, तूने उसे मेंटेनेंस का चेक दे दिया है ना? हाँ। अरे हाँ, इस बार तो तूने पहली तारीख को ही उसे चेक दे दिया था नहीं? हाँ। वाह ये नियम बनाए रखना है जीठा। हाँ हाँ, एक तो मेंटेनेंस का चेक टाइम पे नहीं देता है, ऊपर से फोन काट रहा है। आहो वो अभी काम में होंगे, बाद में करेंगे फोन आपको। कोई काम ही नहीं होगा, वो जानबूझ के फोन काट रहा है मेरा। हाँ भिड़े भिड़े जानबूझ के ही नहीं उठा। मैं तो कहता हूँ जैसे को तैसा, जब तक वो फोन नहीं उठाता है तब तक तू फोन करते रहे, कर फोन। हाँ दोस्तों, हंगामे का दूसरा नाम है गोकुलधाम। नए साल की शुरुआत भी नहीं हुई थी कि गोकुलधाम में हंगामे की शुरुआत हो चुकी है। जेठालाल भेड़े को चेक देने में हमेशा गड़बड़ कर देता है, कभी तारीख या महीना लिखने में गड़बड़ कर देता है, तो कभी चेक देना ही भूल जाता है। लेकिन इस बार तो उसने हद कर दी, उसने चाचा जी से झूठ कहा कि उसने भेड़े को चेक दे दिया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ चले 4 दिन और सच चले 1,000 दिन, तो जब इस झूठ के पीछे का सच बाहर आएगा तो क्या होगा? चाचा जी का गुस्सा तो आप जानते ही है, चाचा जी जेठालाल का क्या हाल करेंगे? लगता है इस बार जेठालाल का हाल बेहाल होने वाला है और गोकुलधाम में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन इस तूफान की वजह से आपके घर में आएंगे हंसी और खुशी के ठहाके। तो आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.